हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव योर फूड। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम श्रीखंड। फलों का राजा आम हम सभी को पसंद है और इससे कई स्वीट डिशेस बनाए जाते हैं, जिसमें से ये आम श्रीखंड या आम्रखंड महाराष्ट्र की बहुत ही पॉपुलर स्वीट डिश है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आम श्रीखंड बनाने के लिए हंग कट की जरूरत पड़ती है, जो आप किसी भी सुपरमार्केट से ले सकते हैं, और अगर आप उसे घर में बनाना चाहते हैं तो वीडियो में दिखाए गए अनुसार एक पतीले के ऊपर एक जाली या स्ट्रेनर को रख दें और उस पर एक सूती के कपड़े को फैला दें। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम दही लिया है, जिसे अब इस कपड़े में डाल दें। अब चारों तरफ से कपड़े को लेकर इसे टाइटली स्क्वीज करें, जिससे इसके अंदर से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इसे या तो कहीं पर 2-3 घंटे के लिए टांग दें, नहीं तो इसे स्ट्रेनर के ऊपर रखकर इसके ऊपर कोई भारी चीज रख दें। करीब 3 घंटे बाद वेट को हटाकर आप देखेंगे पानी दही में से अलग हो गया है। आप इस पानी को कोई भी ग्रेवी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इस गाढ़ा दही या हंग कट को एक दूसरे प्लेट पर निकाल लें। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हंग कट बना है। अगर आप गर्मियों में श्रीखंड बना रहे हैं तो इस हंग कट बनाने के प्रोसेस को आप फ्रिज में रख कर करें। अब इस दही को मैश कर लें, जिससे ये स्मूथ हो जाए। स्पून के जगह पर आप इसे एक फोर्क या तो विस्क से करें, जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब इसमें फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इलायची पाउडर को डालें और अच्छे से मिक्स कर दें। मैंने यहाँ पर 2 पके हुए आम को छोटे पीसेस में काटकर एक ब्लेंडर में ब्लेंड करके पल्प बना लिया है। अब इसमें अपने जरूरत अनुसार थोड़ा थोड़ा करके पल्प को लेकर श्रीखंड में मिला दें। एक साथ ज्यादा पल्प ना डालें, वरना श्रीखंड पतला हो जाएगा। इस वक्त श्रीखंड को एक बार टेस्ट कर लें। अगर आम की मिठास कम लग रही है तो इसमें अपने स्वाद के अनुसार पाउडर चीनी को मिला दें। आप इसमें नॉर्मल चीनी को भी मिला सकते हैं, लेकिन पाउडर चीनी इसमें ज्यादा आसानी से मिक्स हो जाती है। श्रीखंड को जितना हो सके स्मूथ बनाएं, लेकिन इसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड ना करें, वरना इसका टेक्सचर पतला हो जाएगा। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स को छोटे पीसेस में चॉप करके भी डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी आम श्रीखंड या आम्रखंड तैयार है। आप इसे अभी नहीं तो कुछ घंटे फ्रिज में रखने के बाद एंजॉय करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल में ऐसे बहुत सारे हेल्दी, टेस्टी और क्विक रेसिपीज हैं, आप उन्हें भी देखें। थैंक यू।